तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, भाभी तैयार हो रही हैं और भाभी येलो कलर की साड़ी पहनी है। ये वाली साड़ी जो है, अगर आप लोग को याद होगा कि मेरी बहन रीना की शादी में हल्दी के दिन मम्मी खरीदी थी अपने लिए, और हल्दी के दिन मम्मी ये वाली साड़ी पहनी थी। लेकिन मम्मी को ऐसा लगता था कि ये वाला साड़ी जो है, ये दुल्हन लायक अच्छा है, तो मम्मी भाभी को दे दी, है ना भाभी? और भाभी ये वाली साड़ी जब भी पहनती है ना, बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए कलर भी बहुत प्यारा है ना इसका, मतलब दुल्हन लायक ये साड़ी शुरू से ही था। देखिए कितना सारा कपड़ा लेके मम्मी बैठी हुई है। मेरा कपड़ा, भैया का कपड़ा, सोनू का कपड़ा, चंदन का कपड़ा, चांदनी का कपड़ा, भाभी का कपड़ा, और इधर कंबल, रजाई, कवर। एक दिन है तब फिजा दी मम्मी, थोड़ा थोड़ा करके ना फिंच दीजा। देखिए ये मेरा डेनिम जैकेट, मैंने अपना सारा जैकेट निकाल के रखा था, हम अपने से धोती तो लेके बैठ जा सब एक हाली। सबके कपड़ा इधर लेके बैठी हुई है धोने के लिए, और इधर बर्तन भी रखी हुई है। जो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाई है ना, तो वो सब मम्मी अपने से ही धोती है बर्तन। और इतना सारा कपड़ा एक के दिन धुला जाएगा, आज 2 घंटा लगी, 3 घंटा। वॉशिंग मशीन में हम सब धो देती। रखाई तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब वॉशिंग मशीन में धो देती, इतना हाथ से धोला के क्या जरूरत बा। देख रहे हैं ना गाइज, मम्मी मानती ही नहीं है कितना भी बोल लो। तो आप लोग सोचते होंगे कि मम्मी से इतना काम करवाती है लोग, लेकिन मेरी मम्मी को बैठे हुए मन ही नहीं लगता है, कुछ ना कुछ काम अपना निकाल लेती हैं। मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाई है, चावल और सब्जी, और दाल नीचे बनवाई है, दाल और रोटी गैस चूल्हे पे। दाल रोटी चाय बनाती, चावल और सब्जी बनाती हैं छत पे मिट्टी के चूल्हा पे। और वो सब काम खत्म हुआ है तो बर्तन उधर साइड में रखी हैं, अभी बर्तन धोएंगी। गाय के लिए ये बनाई है, पखेव, पखेव बोलते हैं हम लोग गाय के लिए। और उसके बाद इतना कपड़ा लेके बैठ गई हैं, धोते धोते आज पूरा दिन निकल जाएगा। बर्तन धोने लगी अब। देखिए मम्मी को, जो मिट्टी के चूल्हा पे वह काली वाला बर्तन होता है ना, वो मम्मी अपने से धोती हैं शुरू से ही। मतलब जब हम लोग छोटे थे तब भी, मतलब हम लोग बड़े हो गए तब भी, और अब बहू आ गई तब भी, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती है ना कि हम लोग का नाखून गंदा हो, इसलिए है ना मम्मी। और ये चीज़ें जब मैं ससुराल रहती हूँ ना, तो बहुत मिस करती हूँ कि मम्मी कभी हम लोग को बर्तन नहीं धोने देती कि हम लोग का नाखून गंदा हो जाएगा। और देखिए अभी अभी भी अपने से धो रही है कि मेरे बहू का नाखून ना गंदा हो जाए, इसीलिए बोलती हूँ भगवान ऐसी सास सबको दे ना मम्मी। बहू और बेटी में क्या फ़र्क बा, कोई फ़र्क नहीं है, वो भी तो कोई की बेटी ना मम्मी, आप तो हर बेटी हो मिली। और इधर देखिए गाय के लिए पखेव बना हुआ है, गाय को खिलाने के लिए। अभी मैं मम्मी के साथ मिलके कपड़े धो दे रही हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कपड़े हैं और मम्मी तो कभी मुंह खोल के बोलती नहीं है कि आप मेरा हेल्प कर दो। लेकिन इतने सारे कपड़े हो गए ना, मुझे देख के खुद ही लग रहा था कि मम्मी अकेले धोते धोते परेशान हो जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि चलो मम्मी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। वैसे तो मम्मी धोने नहीं दे रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती का धो रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा काम।
अभी मैं नहा धो के आई हूँ छत पे ही। अभी मैंने आज ये वाला सूट पहना है, चिकनकारी सूट। ये वाला सूट आई थिंक 2-2.5 साल पुराना है और रखी हूँ मैं इसको, मतलब खरीद के रखी हूँ लेकिन पहनी नहीं हूँ ज़्यादा, 1-2 बार ही पहनी हूँ। तो आज भाभी बोली कि आप ये वाला पहन लीजिए, ये वाला कुर्ती, तो मैंने ये वाला कुर्ती पहन लिया आज। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, मम्मी वेट कर रही हैं नीचे। मम्मी और चांदी भी नहा चुकी है, तो मम्मी और चांदी के साथ मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूंगी। पूरे छत पे जिधर देखो उधर कपड़ा डाला हुआ है ना चांदी। हाँ। ये भाभी का साड़ी है जो अभी चांदी डाली है, ये ग्रीन वाला। और इधर सब जगह हम लोग का कपड़ा सब धुला गया। अभी वहाँ पे बिछावन रखा हुआ है, दादी बाबा का है बिछावन, उसको भी डालना है, उसमें से भी पानी गिर रहा है। और ये मेरे सारे जैकेट्स, चांदी का पजामा। आज ही सारा कपड़ा धुलाया है और आज ही देखिए कैसे बारिश होने लगी। ये फालतू वाली बारिश नहीं होती है जो धूप में फालतू कैसे बारिश करता है डराने के लिए, वही वाली बारिश। और चांदी सारे कपड़े उठा उठा के रख रही है। अभी ये तो सूखा भी नहीं है, वहाँ वो वाला कपड़ा अभी डलाया भी नहीं है और बारिश होने लगी। ये देखिए। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि फिर से धूप निकल गया है और बारिश जो है ना वो रुक गई है। तो अभी मैं टहल रही हूँ थोड़ा सा छत पे, ऐसे ही टहल लेती हूँ। अभी की धूप ना थोड़ी थोड़ी से कड़ी होने लगी है, लेकिन फिर भी धूप में अभी अच्छा लग रहा है। नीचे जाओ ना तो थोड़ा सा ठंडी लगती है, लेकिन छत पे रहो तो थोड़ा धूप लगता है तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं ऐसे ही रेलिंग पे खड़ी होकर फिर थोड़ा सा इधर उधर बातें करती हूँ, मतलब कोई नीचे रहता है तो। और फिर हम लोग टहलते हैं यहीं पर, मैं और चांदनी दोनों बहनें। अभी बारिश हो रही थी और फिर तुरंत बारिश छूट गई, मतलब 5 मिनट बारिश हुई होगी। और चांदी सारा कपड़ा उठा उठा के रख दी थी, उसके बाद फिर से डालना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैं खाना खा के आई हूँ, मैं चांदी और मम्मी तीनों लोग। तो खाना खा के मैं एकदम से बैठती या लेटती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा टहल लूँ, इसी बहाने थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी हो जाएगा और टहल भी लूँगी। तो छत पर ऐसे ही मैं टहलती हूँ। ये कंबल जो है ये मम्मी आज ही धोई हैं, और ये बाबा दादी का कंबल है। तो बाबा दादी का जो भी कंबल है सब धुलाया है आज। अब धीरे धीरे मम्मी कंबल वगैरह कवर वगैरह को धो धो कर ना रखेंगी, क्योंकि अब जो है ना ठंडी कम होने लगी है। तो बहुत सारे बिछावन है तो सबको अब मम्मी मतलब धो धो के फिर समेट समेट के रखेंगी। तो वही मैं अभी धूप में डाल रही हूँ सूखने के लिए, ताकि ये सूख जाए। तब चांदनी क्या कर रही हो, क्या देख रही हो? गोबर गोठा। गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा रही हूँ, हमारे घर के पास हमारे छत के बगल में क्या होता है, क्या होता है चांदी? गोबर गोठा। ये देखिए गोठा में समझते हैं आप लोग, उपला। ये वाला जो खेत है ना, ये बहुत बड़ा सा एक फील्ड है और इसको ना वो बना दिया गया है खटाल ना बिरू, इसमें गाय भैंस बांधता है लोग और बहुत सारे उपले हैं गोठा। ये देखिए आकाश में बादल गरज रहे हैं और आज मौसम बारिश वाला ही किया है। अभी बूंदा बूंदी हुआ जो छूट गया। और सब लोग ये वाला देख सकते हैं, ये वाला फील्ड में ना सब लोग अपना गोईठा जो है उठाने में लगे हुए हैं। सब बोरा ले लेके आ रहे हैं, उठा उठा के ले जा रहे हैं। वहाँ देखिए सब ढो रहे हैं, बच्चा लोग ढो ढो के ले जा रहा है लोग। ये देखिए और इधर किसी का गाय को खिलाने वाला चारा जो है वो कटाया है, तो वो भी ले जा रहे हैं लोग। हम लोग का कटा गया तो हम लोग वाला तो रखा गया। सब लोग अपना लगे हुए हैं उपले रखने में, ताकि भींगे ना, नहीं तो फिर खाना बनाने में सब लोग को दिक्कत हो जाएगा ना, जिसके यहाँ उपले पे गोईठा पे खाना बनता है। मीठू 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 कटोरे कटोरे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मीठू नहा चुका है। मीठू को अभी मैंने नहलाया है और नहलाने के बाद मैंने इसको मटर दिया है और मीठू अभी मटर खा रहा है। मिठू मटर कैसा लग रहा है आपको? मिठू मटर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है इसीलिए खा रहा है, देखिए कितना प्यार से खा रहा है मटर। नहा धो के मिठू अपना खाना खा रहा है ना मिठू? और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मम्मी दूध गर्म करना भूल गई हैं आज, तो मम्मी ने कहा कि दूध गर्म कर दो, तो मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ। चांदनी और भाभी को देखिए, मोबाइल दिख रही है दोनों सो के,
और यहीं पे ये लोग नमकीन खा रही है, वहाँ पे नमकीन रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इन लोगों का कटोरी, यहाँ पे गिलास, और ये लोग लेटे लेटे मोबाइल देख रही हैं और खा रही हैं लेटे लेटे। भाभी जी आप नहीं देख रही हैं, क्या देख रही हैं भाभी आप? और चांदनी मेरा व्लॉग देख रही है। तो दूध हो गया गरम, हो गया मेरा काम खत्म। अब इसको मैं ढक के जा रही हूँ रूम में रख देने, उसके बाद मेरा काम खत्म। तो गाइस अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं आई हूँ छत पे। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टहल भी लूँगी और आप लोग से बातें भी कर लूँगी। पीछे आप लोग देख सकते हैं चंदन अभी बाइक से आया बाज़ार से सब्जी लेके, और चांदनी अभी द्वार पर ट्यूशन पढ़ा रही है। देखिए चंदन वहीं से हाय बोल रहा है नीचे से ही। तो मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। तो कुछ बातें मुझसे पूछी गई हैं जो मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ। पहले एक जगह पे आराम से बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से बातें करती हूँ। यहाँ पे चेयर लगा के बैठ गई हूँ, मैं सोच रही हूँ चलो आप लोग के सवालों का जवाब दे देती हूँ। पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सी बातें आप लोग के साथ शेयर करी, शेयर तो नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोले कि रवीना ये सब शेयर करना सही नहीं है, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ ना कि अकेले सोच सोच के परेशान रहती हूँ, दिन भर डिप्रेशन में रहती हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग भी तो मेरे अपने ही हो, और जितने लोग कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि रवीना प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं बता रही हो आजकल, क्या कर रही हो, प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ले रही हो नहीं ले रही हो, बहुत सी बातें। तो मैं आप लोग से अभी बताने वाली हूँ कि मैं प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। तो नहीं ले रही हूँ अभी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट। जब मैं ससुराल से आई थी, लखनऊ से आई थी, उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चल रहा था। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उसी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर यहाँ आने के लगभग 15-20 दिन तक तो मैं दवा खाई थी, लेकिन उसके बाद से फिर मैं मतलब कोई दवा नहीं खा रही हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। हर लड़की को मन करता है कि मैं माँ बनूँ, मुझे भी बहुत मन करता है, लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि फिर मैं चाहती हूँ ना कि मैं स्टेबल हो जाऊँ पहले, मतलब कोई जॉब वगैरह मिल जाए, मतलब कुछ अर्निंग होने लगे, उसके बाद ही मैं बेबी के लिए सोचूँ। क्योंकि अभी तो अपना खर्च तो चल नहीं रहा है, मैं खुद तो स्टेबल हूँ नहीं, और फिर बेबी के लिए सोचूँ। अपने तो हम मन मार के रह जाते हैं, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं बच्चों को भी, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और उसको भी मैं कंप्रोमाइज़ कराऊँगी हर चीज़ से, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, कोई जॉब करूँ, कुछ अर्निंग करने लगूँ, तब मैं बेबी करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये सोची हूँ, मम्मी बनने का मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन सोचती हूँ ना कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें भगवान की मर्ज़ी होगी और कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो दो दो बार मतलब ये खुशी मेरे से छिन गया। मैं सोचती हूँ ना कि हर लड़की से, जो भी लड़कियाँ शादीशुदा होती हैं, उनसे यही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम जल्दी से बच्चा दे दो? क्यों, आखिर हमारा लाइफ नहीं है क्या? हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते? हमारा कोई लाइफ पे हक नहीं है? हमें भी अपनी लाइफ जीने का हक है, हमें भी जॉब करने का हक है, हमें भी अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतरीन जीने का हक है। मैं सोचती हूँ कि पहले अपने लाइफ को बेटर करो, पहले सब चीज़ें को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करो, उसके बाद एक बेबी को ले आओ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही बात थी कि मतलब अभी मैं बेबी नहीं कर रही हूँ, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। अगर ट्रीटमेंट लूँगी तो आप लोग को बताऊँगी, आगे जैसा भी होगा सब कुछ आप लोग को बताऊँगी। और हाँ, एक मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, वो हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया था कि रवीना IVF करवा लो, तो मुझे नहीं लगता है इतना जल्दी IVF करवाना चाहिए। आप लोग मेरे भाई बहनों को देख के, मेरे मम्मी पापा को देख के, आप लोग समझते होंगे कि मेरी एज क्या होगी अभी, तो इतनी सी छोटी एज में IVF करवा लेना, इतना जल्दीबाजी करना मुझे सही नहीं लगता है। अभी मैं यही कोशिश करूँगी कि पहले जॉब ले लूँ, पहले स्टेबल हो जाऊँ, कुछ अर्निंग करने लगूँ, तब बेबी ले आऊँगी। और होप कि सब कुछ अच्छा हो, आप लोग का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।